तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ अपने ड्रीम हाउस के थर्ड फ्लोर पे एक 5-स्टार पूल। तो भाई लोग किस यार वापस से आ चुके हैं एक और नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। तो गाइस मेरा ड्रीम हाउस पड़ा था नल्ला, बहुत दिन हो गए इसे नल्ला पड़े हुए, तो मैंने सोचा आज इसमें कुछ बना ही लिया जाए। तो मैंने इसे फर्स्ट फ्लोर तक बना के छोड़ दिया था, तो आज मैं बनाऊंगा इसका सेकेंड फ्लोर। ठीक है, अब इसमें मैं पूल बना के ख़त्म कर दूंगा भाई। मैंने सोचा ख़त्म करूँ, इसमें मैं और कुछ ज़्यादा बने रखता, मैं और चीज़ों फोकस करूँगा बनाने में। तो देखो ये मैं सोच रहा हूँ भाई पूल बनाऊँगा साइड में रेस्टिंग प्लेस और इसे ख़त्म कर दूंगा भाई। इसके बाद इसमें कुछ नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे आँखों में ये चुभ रहा है, चुभ। मगर क्यों, बाकी क्या था। देखो ये मैंने यहाँ पे बाउंड्री बना दी, अंदर पानी डाल दिया और साइड में जो थोड़ी जगह छोड़ी है वहाँ पे अपन एक रेस्टिंग प्लेस बना लेंगे अपने लिए भाई। सिर्फ पूल ना हो, सिर्फ सोने के लिए भी जगह हो बैठने के लिए। तो देखो यहाँ पे प्रिज्मरीन वॉल से मैं एक फेंसिंग तैयार करता हूँ, और मतलब वो तो सिर्फ मैं 4 पिलर लगाता हूँ, पूरी फेंसिंग तो यहाँ पे हम आयरन बार से कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने उठा लिए रैप्ड प्लैंक्स, ठीक है, अब इनसे एक टाइप का मैं पूरा वही अपना रेस्टिंग प्लेस यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और भाई देखो चीज़ें मैं ऐसी वैसी बनाता रही हूँ कि सस्ती मद्दी बना दी काम चल गया, नहीं मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड तुम्हारा भाई तो करता ही है भाई चीज़ों को। देखते हो यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस हवा में बनाएंगे। अब देखो साइड में नीचे मैं सोच रहा था एक बेड डाल दूँ, बेड डाल दिए, लैंटर्न लगा दी यहाँ पे और एंचेबमेंट टेबल डाल दी, ठीक है, एक बढ़िया लग रहा है। और बाकी इधर से अभी से थोड़ा तोड़ के देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ इधर, ये देख सकते हो। अरे माँ कसम क्या लग रहा है, इधर मेरे को मोमबत्ती लगानी थी, ठीक है, ये अपन ने लगा दी। बाकी इसके बाद फ्लिंट एंड स्टील से हमने कैंडल यहाँ पे जला भी दी। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है भाई इस पर अभी हमें मैट भी तो डालनी रहेगी। बाकी देखो यहाँ पे सिंपली ब्लू कारपेट, ऑरेंज कारपेट और ये और पर्पल कारपेट वगैरह मैंने लगा दी, ठीक है गाइस, अभी बढ़िया लग रहा है ना। मतलब भाई पूल सस्ता मद्दा बनाते नहीं। अब देखो यहाँ से मैं क्या बनाऊँगा, पूल में जाने के लिए एक रास्ता भी बना देंगे जहाँ से अपन तुम एक जहर वाली डाइव मारो और नीचे कूदो। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अभी देखो अभी देखना आप मैं क्या कह रहा हूँ। देखो इधर से कुछ इस टाइप के यहाँ पे मैंने क्वार्ट्ज ब्लॉक से एक बेस बनाया। अब देखो यहाँ से अपन स्टेयर्स लाएंगे। भाई मैंने आपसे क्या बोला, मैं सस्ती चीज़ें बनाता ही नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। देखो इसके लिए यहाँ पे मैंने उठा लिया फिर ये ग्लास पेन, देखते हो अब आप समझ जाओगे मैं क्या बना रहा हूँ। ये देखते हो यहाँ पे मस जाओ पानी में भाई, पूरा रास्ता है, नीचे सीढ़ियाँ हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे तो वो लग नहीं रहा था, बाकी इधर भी अपन लगा देते हैं सीढ़ियाँ। इधर से भाई ऊपर आएंगे बेड पे सोने तो दिक्कत होगी ना, ऐसे थोड़ी ना पानी से उड़ के जाऊंगा, बात है नहीं है सही है, बात तो भाई की सही होती है हमेशा। अरे बस कर भाई। बाकी फाइनल चीज़ एक मैं साइन उठाता हूँ और उस पर लिख देता हूँ द पूल, ठीक है। कैसा लग रहा है भाई ये वाला पूल, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। तो ड्रीम हाउस तो मैंने कंप्लीट कर दिया, इसके बाद शायद ही मैं इस पर कुछ लगाने वाला हूँ। बाकी अब हम कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें बनाने वाले हैं इसके बाद। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलता हूँ उसे कल।